वहीं अफगानिस्तान के कंधार में शुक्रवार को हुए मस्जिद में हमले की जिम्मेदारी इस्लामिक स्टेट ने ली है। बता दें, ब्लास्ट इमाम बारगाह मस्जिद में जुमे की नमाज के दौरान हुआ था, जहां धमाके में 32 लोगों की मौत हो गई और 53 लोग घायल हो गए। इस घटना स्थल पर मौजूद कुछ लोगों के मुताबिक आत्मघाती हमलावर पहले नमाजियों के बीच आए और फिर मौका देखकर खुद को उड़ा दिया। बताया जा रहा है कि धमाका इतना भयंकर था कि चारों ओर खून ही खून दिखाई दे रहा था। लोग चीख पुकार मचाते हुए सुनाई पड़ रहे थे, तो कई लोगों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। इमाम बरगाह मस्जिद के अंदर की कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, जिसे देख हमले के बारे में अंदाजा लगाया जा सकता है। वहीं से पहले 8 अक्टूबर को उत्तरी अफगानिस्तान में एक मस्जिद में विस्फोट हुआ था, जिसमें कम से कम 100 लोग मारे गए थे। ये धमाका शिया मुसलमानों को निशाना बनाकर किया गया था। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।